लाइव न्यूज देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट न्यूज चैनल। अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड अंतर्गत हरबोलवा गांव में और ये कपूर पगड़ी पंचायत, यहाँ कब्रिस्तान का शिलान्यास किया गया है और शिलान्यास का मुख्य जो अतिथि थे वो श्री सैयद फैसल अली थे, जो पूर्व राजद प्रत्याशी हैं सीवर लोकसभा से। और यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कब्रिस्तान में मिट्टी भराई हुआ था, कितना मिट्टीकरण हुआ था। चाचा जी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं, कब्रिस्तान में मिट्टीकरण हुआ है, मिट्टी भराया कब्रिस्तान में? या पहली बात हुआ मैं आ गया। अब इधर से भेड़ बकरी तो उसको सुरक्षित करने के लिए कि जो लोग यहाँ पे हैं, लाए गए हैं, जो यहाँ पे आराम कर रहे हैं, उनका सम्मान रहे और ये जो कब्रिस्तान है वो विवादित नहीं रहे, संरक्षित रहे, उसके लिए सरकार की ओर से और हमारे जो मुखिया जी हैं यहाँ पे, इनकी ओर से हमारे प्रमुख साहब, इन लोगों ने मिलकर के प्रयास किया है कि ये इसकी बाउंड्री वॉल हो जाए। तो उसकी शिलान्यास के लिए आज हम लोग सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे जिलाध्यक्ष भी राष्ट्रीय जनता दल के उपस्थित हैं, हमारे पार्षद हैं नूर आलम साहब वो भी उपस्थित हैं, अक्षय लाल जी हमारे विधानसभा प्रत्याशी हैं, वो सारे लोग यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या जो दूल्हा है वो मुखिया जी और उनके पति। चलिए हम दो शब्द मुखिया जी से भी जानना चाहेंगे जी, इस शिलान्यास के संबंध में कब तक बन जाएगा ये थोड़ा जानकारी दीजिएगा। 2 से 3 महीने में इस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे इंशाअल्लाह। जी 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 जी। चलिए, हमें राजद प्रत्याशी चिरैया विधानसभा क्षेत्र से अच्छे लाल प्रसाद यादव जी हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी दो शब्द हम जनता को कुछ बात बतवाना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जनता के सहयोगी हैं और जनता की बात जनता के बीच रखवाना चाहते हैं। हम लोग यह शिलान्यास का पर्पस है कब्रिस्तान का संरक्षण करना, कब्रिस्तान हो या श्मशान हो, वो संरक्षित रहता है तो आपसी सौहार्द बनकर रहता है, कभी माहौल बिगड़ने की जगह नहीं बनती, कभी हमारे भाई भाई आपस में जमीन को लेकर विवाद नहीं करते हैं। तो एक कब्रिस्तान में हमारे मुखिया जी के माध्यम से दो साइड से बाउंड्री वाल, इन्होंने बाउंड्री वाल का चयनित करवाया है और मैं समाज को यह आशा देता हूं कि जो बाकी है वो कल्याण विभाग से हो, हमारे सर के माध्यम से, हमारे सर इस जगह पर उपस्थित हो गए हैं, हमारे एमपी प्रत्याशी सीवर सैयद फैसल अली साहब। तो मैं समाज को यह आशा दिलाता हूं कि वो दो नहीं, वो 4 लाइनें जो बाउंड्री का बाकी है उसको पूरा करवाते हैं। चलिए, अध्यक्ष जी से भी थोड़ा सा मुखातिब होते हैं जी। सर जी, यह दो तरफ से जो बोले हैं प्रमुख साहब, जी जी जी, हम लोग प्रयास करेंगे ये चारों तरफ से हो जाए और सुरक्षित रहे, यही हम चाहेंगे। काम कर दो सर, जनता में इससे पहले आक्रोश था शमशान को लेकर के, कब्रिस्तान का तो शिलान्यास हो गया सर, अब शमशान का शिलान्यास कब तक होगा सर? देखिए, यही जनता में असंतोष, आक्रोश, विद्वेष जो होता है ना जी, इसीलिए कब्रिस्तान का बाउंड्री की व्यवस्था की गई है और बहुत जल्द मुखिया जी से बात भी हुआ है इस संबंध में। शमशान का भी जो विवाद है या जो उसके भी घेराबंदी की बात है, जो भी वहाँ पर करने की व्यवस्था होगी उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, इसलिए कि ये दो चीज़ें सबके लिए, चाहे हाँ मुसलमान पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, या कोई पक्ष हो, अंतिम विश्राम गृह है जी, तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी और हम लोगों के संज्ञान में हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, जल्द से जल्द उसको भी करवा दिया जाएगा। थैंक यू। मुखिया जी से भी जानने का प्रयास करेंगे, मुखिया जी कब तक शमशान का आप शिलान्यास करा रहे हैं? अभी हम लोग भी अपने बड़े से विचार कर रहे हैं, अब बहुत ही जल्दी हो उस कार्य पर हम लोग भी काम करना शुरू करेंगे। और मेरा ये मिशन ही है कि 5 साल में पूरे पंचायत का हर विकास पूरा का पूरा हो, कहीं भी कोई विवाद का जगह ना रह जाए, हर विवाद को ख़त्म करना है और सब काम को ढंग से करना है।